नरसिंहगढ़ नगर में अल्पसंख्यक भाइयों ने आज एसडीएम अनुभागीय अधिकारी श्रीमान अमन वैष्णव जी को एक आवेदन प्रेषित किया। उसमें ग्राम पंचायत नरसिंहगढ़ के अंतर्गत 15 वर्षों से सरपंच रह चुके हैं और इसके कोर्ट में केस चल रहे हैं। इसके पास करोड़ों की संपत्ति कहां से आई? सरपंच ग्राम पंचायत हुल खेड़ी, इस पर यह इल्ज़ाम भी है कि सरपंच नरेंद्र पटेल कभी तो सांसी बन जाता है और कभी बामन बन जाता है और साथ ही में कभी आदिवासी बन जाता है और साथ ही कभी सामान्य बन जाता है और इस पर गुंडागर्दी, डकैती एवं गुंडागर्दी के मुकदमे चल रहे हैं। नरसिंहगढ़ कोर्ट में यह बहुत बड़ा शातिर और सरकार को चूना लगाने वाला सरपंच है। सरकार की राशि को, सरकार की योजनाओं को अपने अकाउंट में नहीं रखते हुए अपने रिश्तेदारों के अकाउंट में राशि आवंटित करवाता है। यह नरेंद्र पटेल नामक भारतीय जनता पार्टी में झूठे शब्दों के साथ योजनाओं का दुरुपयोग कर रहा है और आदिम जाति कल्याण विभाग से, भोपाल मंत्रालय से यह योजनाबद्ध अपने गांव के विकास के लिए पैसे लेकर आता है और वहाँ पैसे लिपा पोती करके हजम कर लेता था और आज उसके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी कहाँ से आई? देखने में बहुत सीधा साधा लगता है पर बहुत शातिर दिमाग का है, मीठे मीठे वचन बोलता है और साथ ही में सरकार की योजनाओं पर पानी फेर रहा है। इसकी जांच होनी चाहिए। नरसिंहगढ़ अनुभागीय अधिकारी महोदय से करबद्ध निवेदन है कि नरसिंहगढ़ क्षेत्रीय विधायक महोदय ने इसका काम देखा, उसमें भ्रष्टाचार का काम दिखा तो उन्होंने इंजीनियर द्वारा काम रुकवाने का आश्वासन दिया तो यह पर लापरवाह सरपंच नरेंद्र पटेल नरसिंहगढ़ क्षेत्रीय विधायक महाराजा राज्यवर्धन सिंह जी साहब को जान से मारने की धमकी दी और कहा, विधायक बहुत से देखे हैं, हमारी सरकार है, हम आदिम जाति कल्याण विभाग से पैसा लेकर आते हैं, गांव के विकास के लिए कागज पर काम करवा रहा है और हमारी सरकार का रुपया है जो हमें मिले हैं और इस पैसे को विकास करेंगे पर करोड़ों रुपए लेकर आता है और साथ ही में उन पैसों का दुरुपयोग करता है। यह सरपंच नरेंद्र पटेल बहुत शातिर है। प्रशासन द्वारा निवेदन है कि अनुभागीय अधिकारी कलेक्टर महोदय से निवेदन है कि इसकी जाँच बिठा कर अधिकारियों को निर्देश दिए जाए कि इसकी पंचायत की, इसके अकाउंटों की जाँच हो और इसके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी कहाँ से आई। नरसिंह गढ़ ग्राम पंचायत नरसिंहगढ़ से यह पूरी जांच की जाए। जो आपने ये आवेदन दिया, ये किस विषय में आपने आवेदन दिया? आज अल्पसंख्यक भाइयों ने जो आवेदन दिया, ये किस विषय, किस मुद्दे पर आपने ये आवेदन दिया नरसिंहगढ़ से अनुविभागीय अधिकारी महोदय को? ये इसलिए आवेदन दिया गया कि जो हुलखेड़ी का सरपंच है उसने हमारे जो राजा साहब हैं और हमारे विधायक महोदय हैं उनके बारे में जो गलत शब्द बोले हैं, अभद्र व्यवहार कराए उन्होंने और जो गलत शब्द बोले हैं उसके लिए हमने आवेदन दिया है कि वो हमारे राजा हैं और हमारे विधायक हैं और हमारे पूरे शहर के लिए वो सम्मान्य हैं। क्या वो हमारे सर आँखों पर हैं? हम चाहते हैं कि उसके ऊपर जिसने उनके लिए गलत शब्द बोले कठोर कार्रवाई करी जाए, उसको जिला बदल करा जाए। ये मेरी एसडीएम साहब से गुजारिश है। ये इनको जान से मारने की धमकी दी गई नरसिंहगढ़ क्षेत्रीय विधायक महाराजा राजवर्धन सिंह जी को, तो उसके लिए क्या कहोगे आप? जान से मारने की बात तो बहुत दूर है, खाली एक अंगली टच करके बता दे, हमारा पूरा शहर उनके साथ है, हमारी पूरी समाज उनके साथ है, खाली एक अंगली टच कर दे। अब एक बात है कि जब पीठ पीछे तो कोई भी किसी से कुछ भी बोलता रहता है, मगर कोई मुंह के सामने आके बोले तो वो बात एक अलग बात है। अनुविभागीय अधिकारी ने आपको क्या आश्वासन दिया? हाँ, उन्होंने आश्वासन दिया है हमको कि इसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे और एसपी साहब और कलेक्टर साहब तक ये बात पहुँचाएंगे और उसके बाद कड़ी कार्रवाई करी जाए। सभी जाति समुदाय ने आवेदन दिया, अभी तक ना तो इसकी जांच हो पाई और अभी तक ना तो कोई एक्शन हो पाया और ना इस पर कोई कार्रवाई हो रही, ना इसको गिरफ्तार कर रही है पुलिस प्रशासन। अब ये तो क्या है कि प्रशासन का काम है, क्योंकि जब इस तरह से एक सम्मान और एक विधायक के ऊपर एक छोटा आदमी अगर इस तरह के आरोप और इस तरह की टिप्पणी करेगा तो फिर क्या है कि छोटे आदमी का तो फिर जीना ही मुश्किल हो गया। इसलिए क्या है कि प्रशासन को सख्त से सख्त कार्रवाई उसके ऊपर करना चाहिए। धन्यवाद। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए हुल खेड़ी से कुंवर वीरेंद्र प्रताप सिंह पवार की रिपोर्ट।